आज हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रा मेथड में, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दो मेथड हमने अलजेब्रा को बता चुका हूँ, पहला जो एलिमिनेशन मेथड, दूसरा होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने दोनों मेथड आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था। आइए हम देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या कॉन्सेप्ट, आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट देखिए। सबसे पहले आपको इक्वेशन होगा जनरल फॉर्म ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल्स टू जीरो। दूसरा आपका इक्वेशन होगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू जीरो। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया और ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब दूसरा जो आपको स्टेप काम करना है कि आपको सारे कोफिशेंट आप लिख दो। तो x का कोफिशेंट क्या है यहाँ पे a1 वन कॉमा, y का कोफिशेंट क्या है यहाँ पे b1 वन सी वन, उसी तरह आप लिख दो a2 टू कॉमा बी टू कॉमा सी टू, ये तीनों लिखा गया। अब उसके बाद से आपको काम ये करना है कि आपको सेकेंड स्टेप आपको ये करना है कि x आप लिख दो, थोड़ा स्पेस आप दे के y लिख दो और थोड़ा स्पेस दे के आप वन लिख दो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? पहले आप x लिख दो, फिर y लिख दो, थोड़ा स्पेस आपको क्या लिख दो, वन लिख दो। उसके बाद से आपको लिखना है ए वन अपॉन ए टू, सॉरी ए वन अपॉन ए टू नहीं, ए वन ए टू, फिर थोड़ा स्पेस देना है बीच में, या इसमें बीच में लिखना है बी वन बी टू, यहाँ पर लिखना है सी वन सी टू, फिर आपको आना है ए वन ए टू पे। अब देखिए इतना हो जाए, हो गया तो आप लाइन पार देते हैं ताकि आप कंफ्यूज मत हो। फिर उसके बाद आप लिख दो एक्स वाई वन इज इक्वल्स टू, सब में लिखेंगे इक्वल्स टू। अब देखो कॉन्सेप्ट यहीं पे सीखना है आपको। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बी वन से स्टार्ट करेंगे। बी वन से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे, बी वन से स्टार्ट करेंगे, सी टू पर जाएंगे, फिर सी टू से आप ए वन पर जाएंगे, फिर ए वन से आप, फिर इसके बाद से, यानी जैसे हम लीडो छक्का खेलते हैं ना, कि लीडो छक्का पहला एक नंबर का आता है, फिर दूसरा नंबर आता है, फिर तीसरे नंबर आता है, फिर चौथे नंबर, इस तरफ जाता है ना साइकिल, क्लॉकवाइज आप मान सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज भी जाता है। तो उसी तरह हमने क्या, पहला एक नंबर, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम ये काम करेंगे, यहाँ पे चाहो तो लिख लो बी वन बी टू, डायरेक्ट या लिख दे लिख दो बी बी वन बी वन बी टू सी वन सी टू। अब यहाँ पे भी लिखेंगे वही सी वन सी टू ए वन ए टू, समझ में आ गया, ए वन ए टू हो गया, सी वन सी वन बी वन बी टू सी वन सी टू, फिर आपको लिखना है सी वन सी टू, फिर ए वन ए टू, फिर ए वन ए टू के बाद से हम आ जाएंगे कहाँ पे, ये तो सेम है ए वन ए टू बी वन बी टू। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, लेफ्ट टू राइट जाना हमको, कहाँ जाना है, सॉरी ये ऊपर होगा, ये नीचे, ये ऊपर, तो आप हम डायरेक्ट हम लिख सकते थे पर आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं बी वन, देखिए बी वन के बाद सी टू पड़ेगा, फिर सी टू के बाद ए टू, अब ए टू के बाद से ये भी तो सेम है ना, तो ए टू नहीं लिख सकते ना, तो ए वन के बाद से अब यहाँ पर लिखेंगे बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, दूसरा लिखेंगे वाई, लेफ्ट टू राइट जाना है ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू, वन अपॉन
ए वन बी टू ए टू बी वन, समझ में आ रहा है। अब ये मान लो ये इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, हमने वो माना है ना, तो ये ऐसे लो नंबर में। अब लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड थ्री कॉमा वी गेट एक्स अपॉन बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू ए वन। अब क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा एक्स की वैल्यू निकल जाएगा बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ये पहला हमको वैल्यू निकल गया। सिमिलरली ठीक उसी तरह से y इज इक्वल्स टू ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या करो कि इक्वेशन लिख लो, जो जैसे सपोज हमारे पास कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजक्वल टू जीरो, दूसरा आपको क्या करना है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इजक्वल टू जीरो। उसके बाद से आपको क्या करना है, सारे कोफिशेंट लिख देना है। एक्स का कोफिशेंट ए वन है, वाई का इस वाले पहला वाला इक्वेशन में बी वन है सी वन है, इसे हमने सारा वैल्यू लिख दिया कोफिशेंट का। अब उसके बाद से आप क्या करो, एक्स लिख दो, फिर कुछ डिस्टेंस छोड़ के वाई लिख दो और कुछ डिस्टेंस छोड़ के आप वन लिख दो। पहले आपको ए का कोफिशेंट लिखना है ए वन ए टू, फिर दूसरा आपको लिखना है बी वन बी टू, तीसरा आपको लिखना है सी वन सी टू और चौथा लिखना है आपको ए वन ए टू। समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको क्या करना है कि उसके बाद नीचे आप क्या करो कि x लिख दो y लिख दो और 1 लिख दो, इक्वल कर दो। अब आपने लीडो छक्का खेला है लीडो छक्का में क्या होता है, एक के क्लॉक वाइज जाते हैं या एंटी क्लॉक वाइज जाते हैं। सेम हमने वही काम किया, देखो b1 b2 c1 c2 का ये वैल्यू का हमने उठा के रख दिया यहाँ पे c1 c2 a1 a2। अब देखिए अब कोई बोलेगा सर ए वन ए टू तो आप तो ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, तो इसलिए हम ए वन ए टू को नहीं लिखे। अब क्या लेंगे, ए वन ए टू में से दोनों में से कोई एक लेंगे, हमने एक ही लिया ए वन ए टू। अब उसके बाद हमने क्या किया, बी वन बी टू से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो हम चाहते तो हम डायरेक्ट लिख सकते, लेकिन हम आपको समझाने के लिए हमने क्या किया, कि हमने रे डायग्राम करके हम बताया कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम ट्रिक बता रहे हैं ना कि आई एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप कोई सा भी क्वेश्चन आप बना लोगे। चलिए देखते हैं एक्स अपॉन, अब इससे हमको क्या है लेफ्ट टू राइट जाना है, तो बी वन सी टू इधर, अब इधर मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस हमने लगा दिया बी टू सी वन। अब उसी तरह हमने क्या किया, वाई अपॉन सी वन सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन ए वन सॉरी बी टू बी टू ए वन माइनस ए टू बी वन। अब क्या किया हमने एक्स और वाई को हमने क्या किया, इक्वेट किया, इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, एक्स की वैल्यू निकल गया। फिर उसी तरह हमने वाई को इक्वेट किया इक्वेशन टू और थ्री को, उसी तरह हमको वाई का वैल्यू निकाला। इस मेथड को हम लोग बढ़ते हैं बच्चों क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ना, ये आपका फुल कॉन्सेप्ट हुआ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के। आइए पहले आप इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या आप चाहो तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट दे दिए। आइए क्वेश्चन नंबर वन,
क्वेश्चन में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें से ये बोला है कि इस जो इक्वेशन जो दिया हुआ है कौन सा इसमें से यूनिक सॉल्यूशन होगा, कौन सा इसमें से इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कौन सा इसमें से नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। अगर इस केस में अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आइए देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन देखेंगे, 1/3 इज इक्वल्स टू 1/2, ये इक्वल नहीं है, इक्वल जब नहीं है तो ये क्या है मेरा, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, a1 upon a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2। अगर ये इक्वेशन कोई इक्वेशन अगर ये सेटिस्फाई करती है तो हमारा क्या होता है वो यूनिक सोल्यूशन देता है, यानी एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन को क्या करती थी, इंटरसेक्ट करता था ना बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हो गया। अब तो ये तो मेरा जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो ये कंडीशन मेरा यूनिक कंडीशन का सेटिस्फाई कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन देगा, एक सॉल्यूशन देगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या कि पहले जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को पहले आपको क्या है जनरल फॉर्म में लिखना है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो आप क्या करो, पहले लिख लो, आप यहाँ पर लिख लो x + y - 5 = 0, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा मेरा इक्वेशन क्या हो रहा बच्चों, x + 2y - 8 = 0, ये सेकेंड इक्वेशन क्या। अब हमको क्या करना है, हमको कोफिशेंट लिखना है ना, सारे कोफिशेंट आप लिख दीजिए। a1 का कोफिशेंट क्या है, 1 है, x का 1 है, वहाँ पे क्या है b1 का आपका कोफिशेंट क्या है, 1 है, और c1 का कोफिशेंट कितना है, -5 है, a2 का कोफिशेंट क्या है, 3 है, b2 का कोफिशेंट क्या है, 2 है, और C2 का कोफिशेंट मेरा कितना है, -8। ये तो जो हम कॉन्सेप्ट सीखे वो सारे कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, जो हम कॉन्सेप्ट सीखे सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, क्वेश्चन बन जाएगा, वेरी सिंपल है। आइए देखते हैं उसके बाद हमने क्या बोला था, हमने बोला था उसके बाद कि आप x लिख दीजिए, थोड़ा स्पेस दीजिए y, फिर आप 1 लिख दो। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि आप a1 लिख दीजिए, a2 लिख दो, b1 लिख दो, b2 लिख दो, c1 लिख दो, c2 लिख दो, फिर आपको a1 a2 जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वहाँ से लिखना चाहते। व्हाट इज योर a1, a1 इज इक्वल्स टू 1। व्हाट इज योर a2, a2 इज इक्वल टू 3। b1 इज इक्वल टू क्या है आपका, 1 है, b2 की वैल्यू आपको क्या है, 2 है, C1 की वैल्यू क्या है, -5 है, -5, C2 की वैल्यू क्या है, -8, C2 इज इक्वल टू माइनस, A1 की वैल्यू कितना है, 1, और A2 की वैल्यू कितना है, 3। सारे वैल्यू हमने लिख दिया, ये हम इसलिए लिख ले a1 इज इक्वल टू 1 ताकि आपको समझाने के लिए, अगर कोई चाहता है तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे 1 3, b1 की वैल्यू क्या है, 1 2, c1 की वैल्यू क्या है, -5 - 8, आप डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हमको समझाना है इसीलिए हम भी आपको लिख रहे हैं कि ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद हमने क्या बताया था, नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताया था x लिख दो, आप इसको लाइन बार दो ताकि आप कन्फ्यूज मत हो, x y और 1। आप डायरेक्ट लिखो, हमने क्या बताया b से स्टार्ट चलना चालू करो, तो b से चलेंगे तो क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, सॉरी ये डार्क नहीं चल रहा है, मैं इसी से यूज कर लेता हूँ। तो हम क्या लिखेंगे, x = y = −8 × 1
माइनस टू इंटू माइनस फाइव, दूसरा हो गया। तीसरा देखिए आप, हमने क्या बताया था, लेफ्ट टू राइट जाना है ना, थ्री इंटू माइनस फाइव माइनस वन इंटू माइनस एट, ये हो गया। अब देखो, अब इसको करना है ए वन इंटू बी टू, जो जो कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, जो जो सीखे हैं हम वही अप्लाई कर रहे हैं। व्हाट इज योर ए वन, वन, एंड व्हाट इज योर बी टू, टू, माइनस थ्री इंटू वन, थ्री इंटू वन। अब सिंप्लीफाई कर दो, अब एक्स अपॉन माइनस एट, ये पाँच दुना दस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, वाई अपॉन माइनस फिफ्टीन, माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, वन अपॉन टू माइनस थ्री। अब देखिए, अब ये क्या होगा, एक्स अपॉन टू इज इक्वल्स टू वाई अपॉन माइनस सेवन इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू माइनस वन। अब ये वाला फर्स्ट इक्वेशन इसे मान लिए, इसे सेकेंड मान लिए, इसे थर्ड मान लिए, इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड थर्ड कॉमा वी गेट एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू वन अपॉन माइनस वन। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टू, तो व्हाट इज योर एक्स, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दिया तो माइनस मिल गया। अब पुट, अब उसे, अब सेम उसी तरह काम करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेटिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, y अपॉन माइनस सेवन इज इक्वल्स टू वन अपॉन माइनस वन, तो माइनस वाई इधर गया तो माइनस सेवन कैंसिल, y इज इक्वल टू सेवन। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या जो हमने आंसर जो लाया है वो सही है कि नहीं, आइए चेक करते हैं। चेक, चेक करो आप, चेक देखो कैसे करेंगे। पहला इक्वेशन हमने क्या माना है, x, व्हाट इज योर x, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू फाइव होना चाहिए, तो व्हाट इज योर एक्स, एक्स इज इक्वल माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, एंड व्हाट इज योर वाई, वाई इज इक्वल टू सेवन, वो तो फाइव हो जाएगा ना, सेवन में से टू के फाइव होगा, फाइव बराबर फाइव, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट, राइट हैंड साइड, दैट्स वाई ये इक्वेशन मेरा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी एक्स का जो वैल्यू हमने लाया और वाई का वैल्यू लाया वो क्या है, बिल्कुल सही लाया एक बहुत वेरी सिंपल है क्वेश्चन, आप बनाना क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल है। आइए एक बार हम इसको समझा देते हैं, देखिए क्या किया। सबसे पहले आप क्या करो कि जो आपको क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को आपके क्या करो, जनरल फॉर्म में आप लिख दो। हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया। सबसे पहले तो इस जनरल फॉर्म लिखने से पहले ये इक्वेशन पहले चेक करो कि क्या वो कंसिस्टेंस है, यानी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सॉल्व करें, अदरवाइज हम सॉल्व नहीं करें। ये यूनिक सोल्यूशन था इसलिए हम क्वेश्चन को क्या किए, सॉल्व किए। उसके बाद से क्या करना है कि आपको सारे कोफिशेंट लिखना है, एक्स का कोफिशेंट, वाई का कोफिशेंट, ए वन, ए वन इज इक्वल टू वैल्यू क्या है, ए टू का वैल्यू क्या है, सारा वैल्यू जब हम लिख देंगे उसके बाद हमको क्या करना है, एक्स के बाद से थोड़ा डिस्टेंस दो वाई लिख दो, थोड़ा डिस्टेंस दो वन लिख दो। उसके बाद आपको कोफिशेंट ए वन ए टू लिख दिए, बी वन बी टू लिख दिए, सी वन सी टू लिख दिए और ए वन ए टू लिख दिए। आप लूडो छक्का खेले हैं, खेले सेम वैसे ही काम किए हैं हमने। हमने क्या किया एक्चुअली में, हमने बी वन से स्टार्ट किया ना, बी वन से स्टार्ट किए, सी टू गए, फिर सी टू से स्टार्ट किए ए वन, फिर ए वन से, तो फिर हमने जहाँ से चला था ए वन फिर गया, फिर ए वन से क्या हो गया, यानी यहाँ पे ए वन है ना, इसलिए हम एक ही बार लेंगे, इसलिए हमने क्या किया ए वन एक ही बार लिया, उसके बाद बी वन से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पर जिसमें एक चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हम चलते हैं इधर, यानी लेफ्ट राइट चलते हैं,
कोई ऐसा नहीं कर सकता कि 3 × 1 पहले लिख दे, 3 × 1 पहले लिखेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले लेफ्ट टू राइट जाना है। जैसे आप लीडो छक्का खेलते हैं, जाता है एक पार्ट के लिए दूसरा पार्ट, दूसरा बंदे को जाता है, चार ग्रुप होते हैं ना, चार बंदे, 1, 2, 3, 4, सेम वैसे ही यहाँ पे भी किए हैं, पोर्से सेम लगा, फिर उसके बाद हमने ऑपरेशन किया सिंपल सा, फिर उसके बाद क्वेश्चन बन गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन है बनाना, बन जाएगा, वेरी सिंपल है। और आप चाहो तो पहले इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे बताते हैं।